नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम और कुंदन है दरभंगा के DPS यानी कि दरभंगा पब्लिक स्कूल परिसर में, और यहां पर होने जा रहा है जोश टॉक का सेमिनार, जिसे हम लोग एज अ ऑडियंस जो है अटेंड करने आए हैं। और वे रहा रिसेप्शन, जो ऑडियंस के रूप में आएंगे वहीं पे जाएंगे और उन्हीं के पास जो है आगे का क्रियाक्रम किया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने समय दिया था, समय के अनुसार सबसे पहले हम और कुंदन ने जो है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और धीरे धीरे जो है बाकी लोग भी आएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, सेमिनार का मतलब होता है कि एक ऐसा माहौल जहाँ पे कोई किसी विषय का विशेषज्ञ, कह सकते हैं कि पंडित आएंगे और अपनी बातों को स्पीच के माध्यम से रखेंगे, और वहाँ पे एज अ ऑडियंस हम उस चीज़ को ग्रहण करने का काम करेंगे। हाँ, जोश टॉक के बारे में आपको बता देते हैं कि जोश टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक और यूट्यूब पे कार्यरत है, यानी कि ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे उन लोगों को बुलाया जाता है जो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल करते हैं, और लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और जिसे देखते हुए कोई जो है बुझा हुआ दीपक ना, वह जाग जाता है और जलने की कोशिश करता है। चलिए एक राउंड मार लेते हैं, और चारों तरफ जो है DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल, सॉरी दरभंगा पब्लिक स्कूल का एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि पूरा सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि आज है रविवार, न रविवार है, और यहाँ पे देखिए ये मंच है दरभंगा पब्लिक स्कूल का, कोई प्रोग्राम होता होगा तो उसके लिए बनाया गया है। और चारों तरफ देखिए एक लाइन से जो है चारपहिया वहाँ लगे हुए हैं, और इधर देखिए बसों की संख्या है, और पार्किंग में अपनी बाइक इस वक्त लगी हुई है, पीछे पार्किंग है। और ये जो है परिसर काफ़ी बड़ा है, और क्या ही कहें, और भी लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं और अपने आपस हम लोग आपस में अपने ज्ञान को आदान प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे देखेंगे ना कुंदन जी। अब कुंदन जी भी तो ब्लॉग बनाएंगे जी, उनकी भी बारी है। चलिए फोटोशूट करते हैं उसके बाद। और हाँ, यहाँ आने के लिए सुबह 4 बजे हम लोग उठे थे, और घर से 5:15 बजे के आसपास निकल गए, इसलिए यहाँ पे 7 बजे 7:15 बजे तक पहुँच गए। लगभग 70-75 किलोमीटर बाइक चलाते हुए यहाँ पहुँचे हैं ना जी। जी, जिस तरह से उन्होंने कॉल किया था दोस्तों की तरफ से कि अगर आप आ रहे हैं तो पहले आओ पहले सीट पाओ वाला सीन है जी, तो उस आधार पे आपको पहले ही आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पहले आओ ये बुलाओ कोई है ये नहीं यहाँ पे। चलिए आ जाएगा, इंतजार करते हैं, पहले आकर इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जोश टॉक का जो सेमिनार है उसे शुरू होने में लगभग 1/4 घंटा समय है। ऐसे में हमें 2 भाई मिले हैं, ये वॉलेंटियर्स एज ए वॉलेंटियर्स यहाँ पे रहेंगे, और इनके जो भी कर्मचारी कह सकते हैं उसी तरह से आसान भाषा में, और हम एज ए ऑडियंस आए हैं तो ये अपना परिचय देंगे, और जो भी चीज़ें आज हम लोग महसूस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें रखेंगे। मेरा नाम अताउल्ला अहमद है, दरभंगा से ही रहने वाला हूँ, और ये जोश टॉक जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इस बार बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, मतलब आपको इसमें आना ही चाहिए। और यहाँ पे आप इतने बड़े बड़े लोगों को देखेंगे, उनके किए हुए जो बड़े बड़े काम हैं, उन्होंने कैसे एक्सपीरियंस किया, इतना कुछ कैसे हासिल किया, ये आप जानेंगे उनके लाइफ स्टाइल को, पूरी लाइफ स्टाइल वो, और उसके अलावा फिर उनकी जर्नी को, हाँ उनकी जर्नी, उसके अलावा फिर आपको उनसे पूछने का मौका मिलेगा, किसी को काम को हासिल करने के लिए कितना सफर, आपके मन में सवाल है उनको बिल्कुल ये भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल क्या क्या क्वेश्चन है आप ये भी पूछ सकते हैं, आपने कैसे हासिल किया, मतलब पूरा आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको एक, यही कहता है जोश टॉक। और आप सब यहाँ जरूर आए, और ये भैया का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं अनिल, आप अनिल अगर आप कुछ बोलना चाहें, हम भी यही, ये भी आप भी वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं और इसी में आए हैं हम लोग, रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब जो कौन है जो आने वाले हैं सबको साथ में आना है, और कुछ विशेष बोलना चाहेंगे, बस वही जो है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अभी का जो ये पहला व्लॉग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर दूसरा व्लॉग जब हम लोग शुरू करेंगे तो बारीकी सी चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल अभी ऑडियंस बहुत कम है, हम 2 ही लोग हैं, इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपका जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। और ये रहा रिसेप्शन, शायद यहीं पे जो है
जो भी ऑडियंस या भी कोई भी लोग आएंगे वहीं पे उनका काम होगा। चलिए रखते हैं ना जी।